नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। खंडवा जिले की 468 शासकीय उचित मूल्य राशन दुकानों पर 7 अगस्त को अन्न उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हितग्राहियों को राशन वितरण किया गया, जिसका शुभारंभ खंडवा जिले की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर द्वारा खंडवा नगर के समीप स्थित ग्राम छैगांव माखन में विधि पूर्वक करते हुए हितग्राहियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्चुअल संबोधित भी किया गया, जिसका प्रसारण सभी राशन दुकानदारों को दिखाया गया। इस अवसर पर बीपीएल कार्ड धारकों को अतिरिक्त 5 किलो की थैली में अनाज दिया गया। पूरे जिले में शासकीय उचित मूल्य दुकानों को सजाया गया और उपभोक्ताओं का स्वागत करते हुए उन्हें स्वल्पाहार कराकर राशन वितरण किया। समारोह में प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर के साथ पंधाना विधायक राम दांगौरे, खंडवा कलेक्टर अनय द्विवेदी सहित खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ जिले के अन्य अधिकारी गण भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। वकील बिस्मिल्ला कर जाए तो क्या हमको उस धरती पर रहने का हक है? यदि माँ धरती कहे मैं अन्न नहीं देती, मैं जल नहीं देती, मैं पेड़ों को धारण नहीं करती, तो हम में से कोई एक व्यक्ति भी यहां दिखाई नहीं देगा। तो जिससे हमने जीवन पाया, हम धन यश कीर्ति जीवन यापन सब जिस माँ की कृपा से करते हैं, उस भारत माता की जय जयकार करना हम सब की जिम्मेदारी है। क्यों? ये आजादी का 75वां वर्ष है। आजादी के 75वें वर्ष को हमें बड़ी धूमधाम से मनाना है। और यदि हमारे जिले के भाई बहन इतने धीरे से वंदे मातरम कहेंगे तो बात नहीं बन पाएगी। और कोई क्रांतिकारी यदि देश के लिए मर मिट पाया तो उसके पीछे उसकी मां की ही प्रेरणा थी। यदि 23 साल के भगत सिंह फांसी पे झूले तो वो खाली भगत सिंह नहीं थे, उनकी मां विद्यावती का संस्कार था। चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, अल्फ्रेड पार्क में अपनी पिस्तौल से अपने प्राण धरती मां के चरणों में समर्पित किए तो मां जगरानी देवी का प्रशिक्षण था कि खुद मरो तो मर जाना, पर धर्म संस्कृति राष्ट्र की अस्मिता पर आंच मत आने दे। जब मां ऐसी धक्का मुक्ति ने आज यहां पर 468 दुकानों के 2,28,000 से अधिक हितग्राहियों परिवारों को अन्न निःशुल्क प्रदान किया गया और भारतीय जनता पार्टी का ये अनूठा अन्न उत्सव अन्न ब्रह्म है। कोरोना के त्रासदी काल में हमारे किसी भाई बहन को कोई तकलीफ ना हो और वो भरपेट भोजन कर पाए, इस पावन भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने हर गरीब परिवार को, हर हितग्राही परिवार को अपना परिवार मानते हुए इस सुंदरतम योजना के साथ जोड़ा है। हम राष्ट्रनायक मोदी जी का कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। भाई जननायक हमारे शिवराज जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज अन्न उत्सव को इस विराट स्वरूप में मनाया, जो पूरे देश और दुनिया के लिए उदाहरण बन गया। जी फसल पे अपना परिचय दें। मेरा नाम पवन कुमार मुंडा। जी बताइए, आज जो साज सजावट की गई है और जिस प्रकार से आज यहाँ पर सभी आपके उपभोक्ता एकत्रित हुए हैं, क्या खास है? आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्य योजना का शुभारंभ मोदी जी ने लाइव भाषण किया, जिसका हमने यहाँ पे लैपटॉप पे लाइव प्रसारण दिखा के सबको दिखाया, सबने देखा, सबने सुना। यहाँ पे हमने बलून से और डेकोरेशन किया है। सबके लिए हमने एक गिराई के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई है। सबने चाय नाश्ता किया, सबने भाषण सुना। हमारे मुख्य अतिथि आए तो उनका भी स्वागत हुआ, हितग्राहियों का भी स्वागत हुआ। उसके बाद मोदी जी ने योजना का शुभारंभ किया, उसका दम अनाज का वितरण का है। प्रति व्यक्ति 5 किलो आपूर्ति विभाग से उपस्थित हुए थे। नहीं, हमारे पास जो हमारे अतिथिगण उपस्थित हुए थे, आंगनवाड़ी सदस्य उपस्थित हुए थे, पार्षद साहब उपस्थित हुए, शिक्षक दो हमारे जो एक नियुक्ति के शिक्षक भी उपस्थित हुए थे। हमारे 7 से 8 जने टोटल
इकट्ठे करते हैं। यहाँ पर मध्याह्न भोजन से संबंधित जो मध्याह्न भोजन है हमारे जो BPL और AY के कार्ड वो है हमारे। ये क्या योजना है और इनसे किन लोगों को लाभ मिलेगा? इन लोगों से जो गरीब लोग हैं उनको सबको अनाज मिलेगा और इसमें शिवराज जी की तरफ से 5 किलो, मोदी जी की तरफ से 5 किलो, टोटल 10 किलो अनाज दिया जा रहा है। वितरण किया है, बताएं वो थैली के बारे में कुछ जानकारी। प्रधानमंत्री जी द्वारा इस बारे थैली का भी वितरण किया, जो थैली के अंदर हम उनको अनाज दे रहे हैं, एक थैली उनकी तरफ से, उसमें जो भी 10 किलो गेहूँ या 10 किलो चावल या जो भी बाजरा लेना चाह रहे हैं वो उनको हम दे रहे हैं। खबर समय जगत के लिए खंडवा से कैमरामैन शुभम लाड के साथ ब्यूरो चीफ दीपक चावरे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।